हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांगड़ा जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज और टांडा अस्पताल में MBBS के 4 सीनियर प्रशिक्षुओं पर रैगिंग के आरोप लगे हैं। कॉलेज प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कमेटी के माध्यम से जांच करवाई है। जांच कमेटी ने जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग होने की पुष्टि भी कर दी है। जांच कमेटी की सिफारिश पर कॉलेज प्रशासन ने आरोपी चारों सीनियर छात्रों को नियमानुसार 1 साल और 6 महीने के लिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया है। साथ ही 1,50,000 रुपये का जुर्माना तक लगाया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मिलाप शर्मा ने चारों छात्रों पर कार्रवाई रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि रैगिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भी कॉलेज प्रशासन ने एंटी रैगिंग एक्ट के तहत टांडा अस्पताल के 12 वरिष्ठ ट्रेनी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जबकि 2 जूनियर ट्रेनी डॉक्टरों की चेतावनी दी गई थी। उस वक्त 12 ट्रेनी चिकित्सकों को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने सहित 6 महीने तक हॉस्टल और 3 महीने तक कॉलेज से निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दें कि IIT मंडी और नैरचौक मेडिकल कॉलेज में भी रैगिंग के मामले सामने आ चुके हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग एक्ट के तहत गठित कमेटियों की ओर से समय समय पर विभिन्न निरीक्षण किए जाते हैं, जिससे रैगिंग ना हो। लेकिन एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आने से कई बड़े सवाल खड़े हो गए।